नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में भर्ती किए गए हैं, जहां आज एम्स के चिकित्सक राजवर्धन आजाद की निगरानी में आंख की सर्जरी होगी। बताया जा रहा है कि सर्जरी के कुछ दिनों तक सीएम नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में एडमिट रह सकते हैं। आपको बता दें कि बुधवार को दिल्ली एम्स में उनकी आंख की जांच हुई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही थी। मंगलवार की शाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार सरकार के मंत्री संजय झा के साथ पटना से दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि वे आंखों का इलाज कराने के लिए दिल्ली आए हैं। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार नव निर्मित बिहार सदन में ठहरे हैं, लेकिन आज सीएम नीतीश कुमार दिल्ली एम्स में एडमिट किया गया है, जहां इनके आंखों का ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद यह भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे। सीएम नीतीश कुमार ने नई दिल्ली दौरे को लेकर इस बात की भी चर्चा तेज है कि कैबिनेट विस्तार को लेकर प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है। विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इन दोनों नेताओं की मुलाकात हो सकती है, इसको लेकर बिहार में बयानबाजी भी तेज है। इसी को लेकर आरजेडी नेता तेज प्रताप और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तंज कसते हुए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि 16 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आंख की सर्जरी के लिए अगर दिल्ली जाना पड़ रहा है तो समझिए बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हालत है। लेकिन अब इस चर्चा पर विराम लग गया है। सीएम नीतीश कुमार के अस्पताल में भर्ती होने के साथ ही यह भी साफ हो गया कि फिलहाल वह पीएम से मुलाकात नहीं करेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर फिलहाल सभी चर्चाओं पर विराम लग गया है। तो एक तरह से हम कह लें कि सीएम नीतीश कुमार अपने आंख के इलाज के लिए दिल्ली एम्स गए हैं। विपक्ष की तरफ से लगातार ये लगाए जा रहे आरोप का उन्होंने एक तरह से हम कहें खंडन कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल्ली एम्स में वो अपना आंखों का इलाज करवाने के लिए गए हैं। ऐसे में विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। इसको लेकर बिहार की सियासत बहुत तेज गर्म भी हो गई थी, और इससे पहले जदयू लोजपा और राजद के बीच में जो आपस में बयानबाजियों का दौर चल रहा था, उस पर भी अब जो है एक तरह से हम कहले विराम लग गया है। सीएम नीतीश कुमार के आज आंख का ऑपरेशन होगा, उसके बाद से यह भी साफ हो गया बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर जितनी सियासी हलचलें तेज थी उस पर अब विराम लग गया है। बिहार की राजनीति से जुड़े हुए और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।